बट तुरतुक विलेज थोड़ा सा एलिवेशन पे है एंड गाड़ी ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी. चलते हैं हुंदर के तरफ, नेटवर्क रहेगा. सबसे बड़ी यहाँ पे इशू है ये है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता बिल्कुल है, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मतलब है. यहाँ तो हम लोगों ने सोचा था कि हुंदर जाके वहां पे स्टे करते हैं एंड कॉल वॉल कर पाएंगे, बट अचानक से गॉड मतलब हैड जस्ट डिफरेंट प्लान. मूड बहुत ज्यादा खराब है या कुछ, ऑब्वियसली गाड़ी अगर खराब हो जाती है या फिर 2-3 दिन एक्स्ट्रा अपने को इस चीज के पीछे देना पड़ता है, फिर वापस से उस तरफ जाना पड़ेगा जहाँ हम लोग जहाँ से होके निकलने वाले थे वापस कोलकाता के लिए. तो हाँ हेक्टिक है, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब थक गए हैं एंड वी आर लाइक कि ठीक है अब वहां से डायरेक्टली चले जाएंगे. यस वी वॉन्ट टू कवर द आइटनरी, हम लोगों ने जो जो प्लान किया है एंड आई थिंक वी विल बिकॉज कवर एक इट. और बात मैं बता दूं, हम लोग के आइटिनरी का जो मेन लद्दाख का जो मेन मेन जो लोकेशंस थे जहाँ पे हम लोग को वो ही जाने हैं बाकी है. वो भी बाकी. सो लेट्स सी, वी आर फीलिंग स्लीपी, अभी हम लोग सो जाएंगे, बाकी कल मिलते हैं. बाय बाय. होटल या कैंप साइट नहीं मिलने की वजह से हम लोग गाड़ी में रुकने वाले थे, बट कुछ लोगों के हेल्प की वजह से वी फाइनली गॉट अ होटल. सो वी आर एट तुरतुक. बेसिकली हम लोग की गाड़ी दैट इज किया सोनेट ब्रेक डाउन हो गई है एंड रास्ते के ऊपर खड़ी हो गई है, वो नहीं चल रही है. परसों से ही हम लोग की गाड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें शो कर रहा था, धीरे धीरे गाड़ी का रेज नहीं ले रहा था एंड वो पहाड़ों पे नहीं चढ़ पा रही थी. एक टाइम के बाद जाके गाड़ी पूरी की पूरी बंद पड़ गई. कुछ लोग थे जिन लोगों ने हेल्प करके हम लोग के लिए ये रूम अरेंज करके दिया एंड हम लोग ट्राई कर रहे हैं राइट नाउ कि कोई लोकल मैकेनिक मिल जाए हम लोग को जो एटलीस्ट हम लोग का गाड़ी इस लाइक बना दे कि वो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक विलेज है हुंदर करके वहां तक हम लोग पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ हम लोग पहले थे एंड वहाँ नेटवर्क है. सो द ओनर ऑफ दिस होटल गुलाम हुसैन बेग, तो उन्होंने हम लोग को कहा कि आप यहाँ पे है तो मैं कल आप लोगों को विलेज घुमाऊंगा एंड अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करूंगा. सो सुबह सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद निकले विलेज देखने के लिए एंड उन्होंने जो सारी चीजें हम लोग को दिखाई एंड जो सारी चीजें बताई, द हिस्ट्री ऑफ दिस विलेज वॉज अमेजिंग. क्वालिटी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम कल्चर है यहाँ का. तब ये पूरा याक हाल जो है ना, तब ये बैल के गले में इसको लगाता था, तब ये रस्सी सब याक का बाल का है, याक का बाल का बनाया हुआ है. विंटर में पहनता था, यहाँ से ये आटा वारा लाके यहाँ पे वो रोटी वोटी बना के मक्खन दूध सब डालने के बाद इसको ऐसे ऐसे करने से पूरा एकदम मिक्स होता था. तुरतुक विलेज के लोगों ने 25 साल के अंदर 3 अलग अलग रूलिंग गवर्नमेंट देखा है. 1947 के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट, 1947 से 1971 तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड 1971 के बाद से इंडियन गवर्नमेंट. एंड गुलाब हुसैन जी ने हमें एक ऐसी बात बताई जिसने हमें स्पीचलेस कर दिया. उन्होंने हमें कहा कि उनके पिताजी 1971 में एक रात पाकिस्तानी होके सोए थे एंड अगले ही दिन वो इंडियन हो गए थे. गुलाब हुसैन जी ने ऐसे ही काफ़ी सारी बातें हमें तुरतुक के बारे में बताई जिन बातों ने तुरतुक को हमारे लिए वाओ बना दिया. जैसे कि ये घर, ये 200 साल पुराना घर है, वो भी लकड़ी से बना हुआ. ये है नेचुरल कोल्ड स्टोरेज जो कि 200 से 300 साल पुराना है एंड इसके अंदर यहाँ के लोकलाइट्स लोग बटर स्टोर करते हैं फॉर 20 इयर्स 30 इयर्स एंड उन बटर को अपने वेडिंग या फिर कोई हज पे जाता है तो तब यूज़ करते हैं. इन बटर्स को याक के स्किन में रैप करके इन कोल्ड स्टोरेज पे स्टोर किया जाता है. दिस इज़ अ बंकर जो कि यहाँ के लोकलाइट्स ने अपने हाथों से बनाया था 1999 कारगिल वॉर के टाइम पे टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम बॉम्बिंग. एंड दिस ग्राउंड इट्स अ पोलो ग्राउंड, नीचे एक बड़ा पोलो ग्राउंड है बट इनका मेन एंड हेरिटेज अगर आप कहें तो ये पोलो ग्राउंड है. यहाँ पे आज भी पर्शियन न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है. अभी तक हम लोग की रोड साइड असिस्टेंट से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि शायद कल दोपहर तक यहाँ पहुंचेगी. दिस वॉज अनप्लैंड, तुरतुक वॉज अनप्लैंड लेकिन हो गया.
बट इसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि सब कुछ कंप्लीट कर सके। सो लेट्स सी क्या होता है। सो दिस इज़ आर कार स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ तुरतुक विलेज मेन रोड बेसिकली। तो मैं नीचे आया था कुछ सामान लेने के लिए ताकि हम लोग नहा धो के फ्रेश हो जाए एंड फिर कपड़े बदल लें, क्योंकि कल से हम लोगों ने कपड़े नहीं बदले। अभी मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ कि मैं ये ऊपर चढ़ने वाला हूँ वापस से, वहाँ ऊपर तक जाना है तो कितना टाइम लगता है ऊपर चढ़ने में। अभी टाइम हो रहा है मेरी इस घड़ी के हिसाब से 7:58। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है ऊपर तक जाने में। यहाँ के लोगों को तो आदत है डेली अप डाउन करने की, बट हम लोग जैसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं। हम लोग शायद आधा रास्ता चढ़ चुके हैं, वो नीचे से हम आए थे, ऊपर जाके एक बार में आराम करेंगे। पहुंच गए 8:04 इस घड़ी के हिसाब से। दिखाओ तुमको फोन दो ना। क्या चाहिए तुमको? फोन। फोन क्यों चाहिए? नहीं बताऊंगी तुमको। कितने दिन से नहीं आई हो? 2 दिन। और अभी क्या प्लान है? नहाने का। क्या नहीं करोगे आप? क्या कुछ नहीं करूंगा। कुछ भी नहीं करोगे? आप कितने दिन से नहीं आए हो? मैं कल ही नहीं आया था। झूठ कितना बोलते हो। अच्छा परसों आया था। परसों कहाँ पे नहाया था? हुंदर में। हुंदर में नहाए थे क्या आप लोग? हुंदर में आप टेंट में थे। ओ नहीं, उससे भी पहले वाले दिन आया था। कितना दिन हो गया? 2 दिन। बंद करो। अभी क्या करोगे? अभी तुम नहाओगी और मैं रेस्ट करूँगा। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। सो गाइज इट्स द सेकेंड डे एंड आज सुबह तो हम लोगों ने फिर भी तुरतुक घूम लिया था, लेकिन फिर अभी तक हम लोग को कोई असिस्टेंस या फिर कुछ भी मिला नहीं है किया के तरफ से। सो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं गाड़ी में सोने के लिए, क्योंकि कल जिस जगह रुके थे वहाँ पे तो काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो हम लोग डेली तो वहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। वी डोंट नो कि कहाँ तक क्या होगा। सो कल तो रुक गए थे एंड अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने गाड़ी के पास। अभी एक जगह पे रुके हुए थे जहाँ पे कि हमें वाईफाई मिल रही थी, तो हम लोग थोड़ा यूज़ कर पा रहे थे इंटरनेट। कभी भी लद्दाख आए तो तुरतुक ज़रूर विज़िट कीजिए। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है एंड ये विलेज बहुत ही अमेजिंग है। एंड आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक बायनाकुलर रखा हुआ है, उसको भी ढका हुआ है। सो यहाँ से वो दिखाते हैं, यहाँ के जो ओनर हैं वो एक प्रोफेशनल गाइड भी हैं, तो वो यहाँ से दिखाते हैं उस पहाड़ पे। यस दिस वन, जो ये ब्राउन वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इस जगह पे इंडियन पोस्ट एंड एकदम टॉप पे ये सेंटर पे जो अभी आ गया, यहाँ पे पाकिस्तानी पोस्ट है। सो एक ही पहाड़ पे नीचे इंडियन पोस्ट एंड पाकिस्तानी पोस्ट दोनों है। सो दिस इज़ द डाइनिंग प्लेस, यहाँ पे ये डिनर एंड ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं एंड दिस व्यू इज़ अमेजिंग। और ये पूरा इस होटल से डायरेक्ट व्यू मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडो पाक बॉर्डर व्यू। ये दिखाते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया बायनाकुलर से एंड दिस इज़ द होटल। सो मैं अभी बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्यों हैं। तो बेसिकली कल ये हुआ था कि हम लोगों ने दोपहर को चेकआउट कर लिया था, क्योंकि रात को रुकना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम लोगों को थोड़ा लग रहा था कि इसमें पैसे लग जाएंगे। इट्स नॉट एक्सपेंसिव बट हम लोगों के बजट के बाहर जा रहा था, बिकॉज हम लोग को और भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है एंड अगर गाड़ी के लिए कुछ पैसा लग जाए तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कल रात को वी विल स्टे इन आवर कार इटसेल्फ। तो हम लोग गए थे वो जहाँ पे हम लोगों को वाईफाई कनेक्शन मिल रहा था, वहाँ पे बैठे हुए थे शाम तक। वहाँ पे हम लोगों ने शाम को थोड़ा नाश्ता पानी किया था, वाईफाई यूज़ किया, तो हम लोग गाड़ी पे जाके घुस ही गए थे। मैंने जो वीडियो दिखाया कि हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे थे एंड देन शायद रात को जो हमारे टोइंग वैन वाले हैं उन्होंने गुलाब हुसैन जी को
कॉल किया था इस होटल के मालिक को, क्योंकि इनका नंबर सब जगह पे दिया हुआ था, तो उन्होंने वही इन्फॉर्मेशन हम लोग को देने के लिए उसी जो अशूर गेस्ट हाउस वहाँ पे उन्होंने कॉल किया। तो उन्होंने उनको बताया कि वो लोग तो यहाँ पे है नहीं, वो लोग शायद गाड़ी पे रुकने वाले आज। एंड ये बात इनको सुन के बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी, मतलब ये इतने अच्छे आदमी हैं, पूरा ऑल द वे नीचे आए, हम लोगों को इन्होंने उठाया। एंड उन्होंने मतलब पहले तो रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे मत रुकिए, आप मेरे होटल चलिए, ये बहुत ही शर्म की बात है, वो ऐसे मेरे को बोल रहे थे। तो हम लोगों ने फिर हम उनको मना नहीं कर पाए। एंड प्लस इन लोगों ने अपने लिए डिनर बनाया था, वो डिनर भी हम लोगों को करवाया। एंड मॉर्निंग में हम लोग उठे तो इन्होंने वापस ब्रेकफास्ट करवाया। ब्रेकफास्ट करने के बाद एंड हम लोग गए उनके पास एंड हम लोगों ने उनको पे किया, बट उन्होंने लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया। एंड हम लोग बहुत ज़बरदस्ती किए, रख दिए, लेकिन वो एकदम नहीं माने। और उन्होंने एक ही बात कहा कि नहीं, आप लोग यहाँ नहीं आए थे, आप लोग गाड़ी में रुकने वाले थे, मैं आप लोगों को ऊपर लेके आया और यहाँ पे रुकवाया हूँ, तो आप लोग अभी मेरे लिए एक टूरिस्ट नहीं है, आप लोग मेरे लिए गेस्ट हैं, तो गेस्ट से कोई चार्ज तो ना करता है, तो आप प्लीज़ मेरे को मत दीजिए। उन्होंने बहुत वो करके हम लोगों से उन्होंने पैसे नहीं लिए। इतने अच्छे लोग अभी भी इस दुनिया में है। एंड लद्दाख, मतलब मैं इससे पहले और भी काफ़ी सारी जगह जा चुका हूँ घूमने के लिए, बट लद्दाख जैसे अच्छे लोग मेरे को कहीं नहीं मिले। Guys, is sea buckthorn rich in vitamin C, works as a blood thinner at higher altitudes. तो अभी हम स्टोन कैफे में हैं। ये यहाँ के जो ओनर है वो पेड़ से तोड़ कर लाए, तो दो चार पीस हमने अलग किया है खाने के लिए डायरेक्टली, और फिर इसका वो जूस बना के हमको खिलाएंगे। और शायद कुछ घंटों में हम लोग की रोड साइड असिस्टेंस आ जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएगी एंड फिर ये गाड़ी उठा के ले जाएगी मंडी सर्विस सेंटर पे। आकांक्षा इज़ वेटिंग फॉर अ लिफ्ट, क्योंकि उसे जाना है अशूर कैफ़े में वापस ताकि वो इंटरनेट यूज़ कर सके। सो फाइनली इज़ 1:30 एंड हमारी रोड साइड असिस्टेंट आ गई है, वो रही वहाँ पे खड़ी है। अभी हम लोग जस्ट बैठ के बात कर रहे थे एंड जाने वाले थे आगे अशूर कैफ़े में नेट वगैरह यूज़ करने के लिए, देन सडनली ये लोग आए एंड हॉर्न बजाने लगे एंड पूछने लगे, तो हम लोग को देख के मतलब अलग ही खुशी हो गई। आकांक्षा के मुंह में आप खुशी देख सकते हैं कि हम लोग जल्दी जाएंगे। अब अगर मैं ब्रिज तक चला गया होता तो शायद मेरे को वापस चल के आना पड़ता है, तो ये लोग को बुलाना पड़ता, बुलाने का भी कुछ है नहीं क्योंकि नंबर वगैरह यहाँ पर कुछ चल तो रहा नहीं है, तो पता नहीं वो हॉर्न बजाते रहते हैं। किया नॉट डन, नॉट डन, एब्सोल्युटली नॉट डन। सुनो ना मेरा बात सुनो। हाँ सुनो। बोलना उल्टा करके लगाने के लिए गाड़ी, तो हम लोग को व्यू मिलेगा। पूरी सेटिंग हो रही है कि कैसे गाड़ी लगाई जाएगी चढ़ाने के लिए। एंड फाइनली हम लोग की गाड़ी टोइंग वैन पे चढ़ गई है एंड इट्स 2 PM अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ अब ये गाड़ी जाएगी हिमाचल मंडी। सो फाइनली बाय बाय तुरतुक, वी आर लीविंग एंड ये हमारी गाड़ी इस टोइंग वैन के ऊपर चढ़ी हुई है। राइट नाउ हम लोग अभी खारदुंगला पास में हैं एंड अभी यहाँ पे काफ़ी ठंड है, टाइम है 7:20। सो गाइज हम लोग अभी ले में हैं, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग की गाड़ी ख़राब हो गई थी एंड टोइंग रोड साइड असिस्टेंस फाइनली कल दोपहर को 1:30 बजे पहुंची एंड कल रात को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली
10 बजे के करीब ले पहुंच गए थे। एंड देन हम लोगों ने ये होटल प्रेसिडेंसी यहाँ पे हम लोग स्टे किए थे कल रात को। एंड हमारी गाड़ी तो चली गई मंडी ठीक होने के लिए। एंड हम लोग यहाँ पे 3-4 दिन अभी रहने वाले हैं। सो हम लोगों ने सोचा कि क्या करें। सो फाइनली हम लोगों ने एक बाइक बुक की है एंड दिस इज़ आवर बाइक अभी 3-4 दिन के लिए, जिसको लेके हम लोग ले एंड बाकी 2-3 लोकेशंस पे जाने वाले हैं। सो वी आर एक्साइटेड क्योंकि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग बाइक, एक्चुअली हम लोग 2 साल से लद्दाख प्लान कर रहे थे बाइक के लिए, बट बाइक हो नहीं पाया था। फाइनली हम लोगों ने गाड़ी खरीद ली थी, तो हम लोग को लगा कि गाड़ी में जाएंगे, बट भगवान चाहते थे कि नहीं, तुम लोगों ने प्लान किया है तो तुम लोग बाइक पे जाओगे। आज हम लोग साइट सीइंग करेंगे ले पे ही एंड कल निकलेंगे किसी और लोकेशन के लिए। कार खराब होने के वजह से बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन जब पहली बार बाइक की इंजन स्टार्ट की और लद्दाख के रोड्स पे उसे राइड किया, तब जाके पता चला कि रॉयल एनफील्ड और लद्दाख रोड्स, इससे अच्छी कॉम्बिनेशन शायद और कुछ हो ही नहीं सकती। हम लोग साइट सीइंग के लिए निकले थे ले पे एंड फर्स्ट हम लोग आए थे शांति स्तूपा। बहुत तेज़ भूख लगी है तो कुछ खाने जा रहे हैं, और हम लोग बाइक से एक दो बार गिरते गिरते भी बचे हैं क्योंकि बाइक का वेट बहुत ज़्यादा है एंड मेरे को संभालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और मेरा भी वेट थोड़ा ज़्यादा है एंड इसका भी वेट थोड़ा ज़्यादा है। ये होता है पुचका लवर्स, कहीं पे भी चले जाओ अगर पुचका मिल जाए तो वो नहीं छोड़ते। अच्छा गोलगप्पा बोलते हैं यहाँ पे। बस हम ही पागल नहीं है, यहाँ पे और लोग भी हैं जो लोग वेस्ट बंगाल से गाड़ी लेके आ जाते हैं। सो गाइस आफ्टर शांति स्तूपा हम लोग मार्केट गए थे ले मार्केट, एंड वहाँ से हम लोगों ने एक बैकपैक खरीदा एंड रस्सी वगैरह खरीदा क्योंकि कल हम लोगों को बाइकिंग करनी है तो सारा सामान बांधने के लिए कैरियर में। तो फिर वहाँ से निकल के हम लोग अभी हॉल ऑफ फेम आए हैं। ये तो 5 बजे बंद हो गया तो, बट हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि अभी 7 बजे से इन लोगों का 7:30 बजे से एक लाइट एंड साउंड शो होगा। तो एंड क्योंकि हम लोग बाइक चला रहे थे काफ़ी ठंडी लग रही थी तो इसलिए हम लोगों ने अभी टोपी मास्क ग्लव्स सब पहना हुआ है। शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है। ए मेरे वतन मुझे तेरी कसम हम अपना फर्ज निभाएंगे। अब उसे देखना है हमारी मां की इज्जत पर जो हाथ डालता है, उस हाथ को हम उसके कंधों से उखाड़ के फेंक देते हैं। भारत माता की जुले साहब 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाके पता चला दुश्मन वहां पहले ही पहुंच चुका है। तो साहब तो और भी अच्छा है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट बिना दुश्मन की लाशों के वीरान नजर आएगा ना। लेकर जान हथेली पर कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। तब तक
लड़ते रहे जब तक 0.5990 पर भारत का झंडा लहराया नहीं। 18 ग्रेनेडियर के वो वीर ऊंचाई पर बैठे बुजदिल दुश्मन की लगातार चलती गोलियों के बीच आगे बढ़ते रहे। हम जीत की इस आस को जीत का इतिहास बनाकर लौटेंगे। एंड दैट्स अ प्रॉमिस सर। शेरशाह, वो जिसके सामने दुश्मन कभी नहीं टिका। पर जो तुम्हारी फिल्म स्टार है माधुरी दीक्षित, और एक बार उसको तो यहाँ बुलवा दे। उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारत माता की जय। जय हिंद। इसके बाद तो मानो ट्रेजेडीज ने हमसे दोस्ती कर ली हो। का दिन हम लोग को लग रहा है कि कुछ खास अच्छा नहीं है। हार्ड ड्राइव रीड करना बंद कर लिया। आकांक्षा का फोन अचानक से थोड़ा सा ब्लिंक वगैरह होके स्विच ऑफ हो गया। हम लोगों को जो शायद 100 किलोमीटर जाना था वो भी हम लोगों को 350 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। सो हमारा लद्दाख बाइकिंग एक्सपीरियंस जानने के लिए वेट अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि पिक्चर का तो नहीं पता पर सफर अभी बाकी है मेरे दोस्त।